संस्कार कोचिंग अकेडमी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपन पाठ नंबर एक पढ़ रहे थे, वो अब पाठ है जो समाप्ति की ओर है। अब अपन इस चैप्टर में अपन ये पाठ नंबर एक का आठवां भाग यानी आठ नंबर पाठ लेके आए हैं। आठ नंबर पाठ में अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अपचित अभिक्रिया के प्रभाव। अपन पढ़ेंगे इस पाठ में दैनिक जीवन है उसमें अपचित अभिक्रिया के प्रभाव। इसमें दो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे। तो एक तो है संसारण, एक है विकृत गंधिता। तो ये नाम से आपको क्या डर लग रहा है, ये नाम ड्रामा नाम है लेकिन इतना कुछ नहीं है इसमें। नाम क्या है, डराने का ही है, बाकी ये बहुत सरल है, इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बहुत मजा आएगा इनको पढ़ के। आपने देखो संसारण का मतलब नाम देखते आपको पता है, आपने प्राय देखा होगा कि लोहे की कोई भी वस्तु अपन लेके आते हैं, लोहे की कोई वस्तु लेके आते हैं उसमें शुरू शुरू में क्या उसमें चमक होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है उसमें एक लालीनामा युक्त एक परत झड़ जाती है, उसे अपन प्राय मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं जंग, जंग लगना बोलते हैं ना। तो उस परत में क्या परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन आने के बाद क्या है कई ऐसी और भी वस्तुएं होती है, जैसे मानो तांबा है, चांदी है, तो उसमें भी क्या है ऐसी परत आती है, तो उसमें भी क्या है कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जब कोई धातु में है अपने आसपास वो अमल आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। अब अपन इसकी थ्योरी को देखते हैं। अब देखो अपन संसारण की है वो परिभाषा एक बार पुनः देखते हैं। जब कोई धातु अमल आर्द्रता के संपर्क में आती है यानी अमल आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तब यह संसारित होती है, तब क्या होती है संसारित होती है और इस प्रक्रिया को संसारण कहता है, संसारण कहते हैं यानी ये अमल आर्द्रता के संपर्क में आती है तभी उसे क्या कहते हैं संसारित कहते हैं, और संसारित होने से संसारित कहते हैं। अब देखो उदाहरण के लिए क्या है, लोहे पर जंग चढ़ना और चांदी पर काली पड़ना, अपन आपने घर में देखा है लोहे पर क्या है जंग चढ़ता है यानी अमल आर्द्रता के संपर्क में आती है तभी जंग चढ़ता है, और चांदी पर क्या है काली पड़ना और तांबे पर भी हरी पड़ना। अब आगे देखते हैं विकृत गंधिता। अपन देखो विकृत गंधिता ही बस देखते हैं यानी वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ या सामग्री उसको अपन लंबे समय तक रखते हैं तो उसका गंध में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो जो उपचित होने के कारण तेल एवं वसा वक्रत गंध हो जाती है तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाती है, उनका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। और उपचित यानी उपचित को रोकने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, प्रतिरोक्षी कार्य का मतलब है जैसे अपन अचार वगैरह की ऐसी चीजें हैं उनको क्या लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें क्या है सिरिका डालते हैं, उससे क्या वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है, उसमें किसी प्रकार का वक्रत गंधिता नहीं रहती है। और दूसरा क्या है जैसे वायुरोधी बर्तन है, वायुरोधी बर्तन उसमें क्या है किसी भी प्रकार की वायु में जो अंदर नहीं जा सकती। और दूसरे जैसे अपन क्या है चिप्स है, चिप्स मानते हैं, चिप्स अंदर सब खाते हो, चिप्स लेके भी आते हो, चिप्स का नाम लेते हैं मुंह में पानी भी आने लग गया आप सबको पता है। तो चिप्स क्या है, चिप्स है वो ऑक्सीकारक, चिप्स क्या है ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, चिप्स के अंदर क्या है अपन जब चिप्स फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां क्या होता है चिप्स जब पैकेट के अंदर डालते हैं तो वहां नाइट्रोजन गैस के बोतल लगे होते हैं और उससे क्या है वो चिप्स के अंदर जो पैकिंग होती है उसके अंदर वो नोजल के द्वारा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो किसी प्रकार का उसमें गंध ना हो और सुगंध और स्वाद में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। अब आपके क्या है मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई ऑक्सीजन को चिप्स के अंदर क्यों नहीं भराता, नाइट्रोजन गैस को क्यों वो जब चिप्स के पैकिंग करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग क्यों करते हैं, ऑक्सीजन का भी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है वो क्या है चिप्स को खराब कर देती है, गंध में बदल देती है, क्योंकि वो लंबे समय तक क्या है सुरक्षित नहीं रहती, इसलिए क्या है वो उसको बचा नहीं सकती, इसलिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग नहीं हो सकता। अब देखो अपन वक्र गंधिता की परिभाषा देखते हैं, तो क्या है परिभाषा देखते हैं अपन ने इसको थोड़ी लिख के जो अपन नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे। तो देखो वक्र गंधिता क्या है, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो स्वाद तो क्या होता है तो स्वाद अथवा गंध में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है स्वाद अथवा गंध में परिवर्तन होता है, स्वाद अथवा गंध में परिवर्तन होता है और उपचित होने पर तेल एवं वसा वक्रत गंधिता हो जाती है। उपचित होने से तेल एवं वसा जो वक्रत गंध हो जाती है तथा उनके स्वाद गंध में बदलते हैं। अब देखो
वक्रतंत्रता को रोकने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? वक्रतंत्रता को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, पदार्थ पदार्थ में प्रतिओक्सीकारक क्या करते हैं, पदार्थ में प्रतिओक्सीकारक मिलाते हैं, पदार्थ में प्रतिओक्सीकारक। और वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, वायुरोधी बर्तन है उसका उपयोग करते हैं। अब इस प्रकार से अपन वक्रतंत्रता की परिभाषा पढ़ा है। अब एक बार अपन पुनः क्या करते हैं, अपन ने संक्षारण और वक्रतंत्रता की परिभाषा को पुनः देखते हैं ताकि अपने को क्या अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार पुनः संक्षारण की परिभाषा देखते हैं। संक्षारण में क्या होता है, जब कोई धातु अमल आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, अमल आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, तब यह संक्षारित होती है। किसके संपर्क में आने से संक्षारित होती है, अमल आर्द्रता के संपर्क में आने से संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और देखो इसके उदाहरण देखते हैं, लोहे पे जंग लगना, इसके उदाहरण है लोहे पे जंग लगना, क्या है, लोहे पे जंग लगना। फिर है चांदी पर काली परत चढ़ना, चांदी पे काली परत चढ़ना। फिर दे रखा है तांबे पर हरी परत चढ़ना, यानी तांबे की कोई अपन देखते हैं उसमें भी क्या है, हरी परत चढ़ती है। फिर एक बार वक्रतंत्रता की परिभाषा को पुनः देखते हैं, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो स्वाद व गंध में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और अपचित होने पर तेल एवं वसा वक्रतंत्रता हो जाती है तथा उनके स्वाद एवं गंध में बदल जाते हैं, उनके स्वाद और गंध में क्या बदल जाते हैं। अब देखो वक्रतंत्रता को रोकने के लिए क्या क्या किसी किसी का प्रयोग करते हैं, पदार्थ में प्रतिओक्सीकारक मिलाना, यानी पदार्थ में क्या है, प्रतिओक्सीकारक मिलाना, और वायुरोधी बर्तन है उनका उपयोग करना। अब क्या है, इसका मजेदार उदाहरण है तो आप देखते हो ट्राई कर, जैसे अपने क्या है घरों में सब्जी खराब होती है, वो क्या है ऑक्सीकारक के कारण क्या है सब्जी खराब होती है। और जैसे क्या है अपन कई बार क्या अचार वगैरह देखते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, वो क्योंकि खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है सिरिका भरा रहता है तो वो खराब नहीं होता है। और जैसे चिप्स वगैरह है उसमें क्या है नाइट्रोजन गैस भरी रहती है तो उसकी वजह से क्या है ये चिप्स वगैरह है वो खराब नहीं होती है। तो अब देखो अपन ने कम समय में इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, तो अब इस 8 नंबर टॉपिक की क्लास हम आज यही समाप्त करते हैं। अतः आप सबसे निवेदन है अपने संस्कार YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस कर रखा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इसी प्रकार के अच्छी से अच्छी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।